ट्रांजिस्टर। अल्फा बीटा पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ये अल्फा बीटा पैरामीटर्स जो है ये करंट्स से ही रिलेटेड है, ट्रांजिस्टर से एसोसिएटेड करंट्स से ही रिलेटेड होते हैं। ये वी डिफाइन अल्फा एज, अल्फा इज डिफाइंड एज आई सी अपॉन आई ई, व्हाइल बीटा इज डिफाइंड एज आई सी अपॉन आई बी। द अल्फा बीटा पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर डिफाइंड इन दिस वे। और यहां पर इन पैरामीटर्स का सिग्निफिकेंस ये है दैट व्हेन अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड अंडर दिस बायसिंग, इस बायसिंग में जब ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करते हैं, देन इट इज फाउंड दैट दीज रेशियोज जनरली रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ये रेशियोज जो है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बने रहते हैं। दैट इज वाई वी कैन ऑलवेज डिफाइन द अल्फा बीटा पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। हम कहेंगे ये अल्फा हमेशा ट्रांजिस्टर के लिए कॉन्स्टेंट बना रहेगा, दिस रेशियो आई सी अपॉन आई ई रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, बीटा आई सी अपॉन आई बी रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ये अल्फा बीटा कांस्टेंट रहेंगे। अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बीटा अलग अलग हो सकते हैं। इट इज अगेन डिजाइनिंग एस्पेक्ट, हमें अल्फा कितना चाहिए बीटा कितना चाहिए वो एक डिजाइनिंग एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत इजीली ये प्रूव कर सकते हैं दैट दीज अल्फा बीटा आर इनफैक्ट रिलेटेड, ठीक है। इनमें कुछ पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो अगर एक अल्फा भी अगर हमने कांस्टेंट बोल दिया तो बीटा अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। अल्फा बीटा जो है ये अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बीटा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट फिक्स, प्रैक्टिकली उसे कॉन्स्टेंट हम मान सकते हैं, अल्फा बीटा को हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं किसी ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। नाउ यहां पर हमने क्या कहा था एनालिसिस करते वक्त, ध्यान रहे दैट ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम बेस टुवर्ड्स द बैटरी बी। मतलब ये आई बी जो है, दिस आई बी इज जनरली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बोथ द अदर करंट्स। आई ई जो है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन, उसका एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन आई बी में कन्वर्ट होता है, मतलब आई बी होता है, उसका मेजर फ्रैक्शन तो आई सी ही रहता है। बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हमने एनालिसिस बताया इससे हम ये देख सकते हैं दैट द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग हियर, फिर यहां से अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाते हैं, छोटे से एक फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमें यहां जाते हुए दिखेंगे। सो वी से दैट जनरली आई बी इज फाउंड टू बी 1 to 5% आई ई। जनरली आई बी इज फाउंड टू बी ओनली 1 to 5% ऑफ आई ई। आई सी is found to be
95 to 99% of IE. IB जो है वो IE का सिर्फ 1 to 5% मिलता है हमें, while IC is found to be 95 to 99% of IE. हाँ ओके ठीक है. बाय नोइंग दिस रेंज ऑफ करंट्स, करंट्स की इन रेंज को देखकर हम अल्फा और बीटा की रेंज यहां पर अब डिटरमाइन कर सकते हैं. अल्फा और बीटा जनरली किस ऑर्डर के होंगे और किस रेंज में होंगे. हमें यहां रेशियो पता है, हमें किसका रेशियो लेना है. आईसी अपॉन आईई इज अल्फा, आईसी अपॉन आईबी इज बीटा. सो हमें यहां रेशियो क्या मिलेंगे, देयरफॉर अल्फा इज 95 to 99% हम बोल रहे हैं ये 95 to 99% होता है. देयरफॉर अल्फा की रेंज हो जाएगी 0.95 to 0.99. देयरफॉर अल्फा इज फाउंड टू बी इन द रेंज 0.95 to 0.99. अल्फा की वैल्यू जो है वो है 0.95 से 0.99 की रेंज में मिलेगी. 95% टू 99% ठीक है, 95% टू 99% है जो, इसलिए वो 0.95 टू 0.99 हो जाएगा. इसी तरह से हम बीटा की रेंज निकाल लें. हमें से इन द रेंज ऐसी इसी तरह से लिख लें, अल्फा इज इन द रेंज ऑफ 20 to 100. हम बीटा की रेंज देखें तो वो हमें मिलेगी 20 to 100. द रेंज ऑफ बीटा विल बी फ्रॉम 20 to 100, क्योंकि यहां जब ये 95 होगा तो ये 5 होगा. 95 upon 5 19, ठीक है 19 20. जब ये 99 होगा तो ये सिर्फ 1 होगा. सो अप्रॉक्सीमेटली 100 ठीक है. दिस बीटा विल बी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू अल्फा. बीटा की जो वैल्यू है वो 20 to 100 होगी. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज अल्फा बीटा पैरामीटर्स. ये अल्फा बीटा पैरामीटर का सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम समझें. This beta factor, the parameter beta, will be of significance in common emitter mode. ये जो beta factor है, ये जो beta parameter है, this will be of significance in common emitter mode. Because यहां पर हम beta को define कर रहे हैं IC upon IB. ये हमें क्या बता रहा है, that If the current in base, if the base current is increased by some factor, अगर suppose हमने base current को 1 milliampere बढ़ा दिया, तो collector current, जो collector current है, वो beta times हो जाएगा.
ठीक है, इफ सपोज द बीटा फैक्टर इज 50, अगर हमने यहां से करंट को 1 mA बढ़ाया तो यहां से करंट 50 mA बढ़ जाएगा। इट इज ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन वी वांट टू एम्प्लीफाई सिग्नल्स, अगर हम किसी सिग्नल को एम्प्लीफाई करना चाहें तब इस तरह का फिनोमेना काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सपोज यहां से हमें कोई सिग्नल मिल रहा है, यहां हमने कोई इनपुट सिग्नल लगा दिया, ठीक है, सपोज कहीं से आने वाला साउंड का सिग्नल हमने यहां इनपुट दे दिया और यहां से हमने उस सिग्नल का आउटपुट लिया, तो क्या होगा, यहां से जो सिग्नल दिया जा रहा है उसका आउटपुट हमें 50 टाइम्स जो भी बीटा फैक्टर होगा, जो भी बीटा पैरामीटर होगा, दैट मच टाइम्स एम्प्लीफाइड मिलने लगेगा। द आउटपुट सिग्नल विल बी बीटा टाइम्स एम्प्लीफाइड। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम बोल रहे हैं ये आईबी और आईसी रिलेटेड है आपस में, इनका रेशियो जो है ये ट्रांजिस्टर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, आईबी इज कंट्रोलिंग आईसी, वी कैन से दैट आईबी इज कंट्रोलिंग आईसी। अगर हम यहां पर एक छोटा सा चेंज करते हैं तो यहां पर बीटा टाइम्स दैट चेंज हमें देखने को मिलेगा। सो दिस सर्किट, दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज कंट्रोलिंग दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। हम एक करंट से दूसरे करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम एक इनपुट से आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। हम यहां से अगर बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहां पर हमें करंट का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। अगर हम यहां से बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहां करंट थोड़ा सा ही बढ़ेगा, यहां पर करंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, यही एक ट्रांजिस्टर का सबसे मेजर पर्पस होता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में यूज किया जाता है, इसीलिए ट्रांजिस्टर का सबसे मेजर यूज जो होता है इट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करना ही ट्रांजिस्टर का सबसे मेजर एप्लीकेशन होता है, और यह एम्प्लीफिकेशन हमें कॉमन एमिटर मोड में ही दिखेगा। कॉमन एमिटर मोड में ये बीटा वाला जो फैक्टर है, बीटा वाला जो पैरामीटर है, ये रोल प्ले करेगा। अल्फा पैरामीटर जो है इट विल प्ले रोल इन द कॉमन बेस मोड, यहां पर आईसी और आईई हम देख रहे हैं, जब कॉमन एमिटर है तो आईसी और आईबी दिख रहा है हमें, जब कॉमन बेस होगा तब इसी तरह से आईसी और आईई दिखेगा हमें। We'll say that the emitter current will control the collector current. लेकिन उसमें हमें कोई खास वेरिएशन ही नहीं दिख रहा है, उसमें हमें कोई खास वेरिएशन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर emitter current कुछ है तो collector current उसका almost 95-99% ही है, so there is no major change, इसलिए उसका कोई significance ही नहीं होगा, बट स्टिल थ्योरिटिकली हम उसे डिफाइन जरूर कर देते हैं। कॉमन कलेक्टर मोड इज, हाँ ओके ठीक है, देखते हैं उसे। कॉमन कलेक्टर मोड तो ऑलमोस्ट कभी भी यूज किया ही नहीं जाता है, देयरफॉर हम इस तरह से कोई एक गामा पैरामीटर नहीं डिफाइन करते, नहीं कंसेप्चुलाइज करते। कॉमन बेस मोड भी रेयरली कुछ एप्लीकेशन में ही यूज किया जाता है, अदरवाइज ओनली कॉमन एमिटर मोड इज यूज्ड। फाइन, सो अभी हम सिर्फ इन अल्फा बीटा पैरामीटर्स का शॉर्ट में सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, एम्पलीफायर वाली बात को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह एग्जैक्टली किस तरह से यूज किया जाता है, उसका
सर्किट किस तरह से बनता है, उसमें कितना एम्पलीफिकेशन मिलता है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नाउ इन अल्फा बीटा पैरामीटर से रिलेटेड हम एक और यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दीज अल्फा बीटा पैरामीटर्स। हम इन अल्फा बीटा पैरामीटर्स में कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? हम जानते हैं तीनों करंट्स आपस में रिलेटेड है, we know that IE is equal to IB plus IC, ये तो हमने बता ही दिया है, IE is equal to IB plus IC। इस पूरी इक्वेशन को हम IC से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को हम IC से डिवाइड कर दें, हमें मिलेगा IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1। ठीक है, हमें यहां साफ साफ दिख रहा है LHS में लिखा है 1 अपॉन अल्फा, RHS में लिखा है 1 अपॉन बीटा प्लस 1। वी गेट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अल्फा और बीटा ये रिलेशन लिखा जा सकता है, या हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम इसे लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। बस रीअरेंज करके उसे हम अलग अलग फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर दैट, हमें अगर बीटा पता है तो हम डायरेक्टली अल्फा निकाल सकते हैं, अगर हमें अल्फा पता है तो हम डायरेक्टली बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा में इस तरह से तीन रिलेशंस लिख सकते हैं। एक और इक्वेशन, एक और रिलेशन यहां पर कई बार लिख दिया जाता है। अगर हम सेकंड और थर्ड वाले रिलेशन को, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस अप्लाई कर दे, द सेकेंड रिलेशन एंड द थर्ड रिलेशन, अगर हम 2 × 3 करें, देन वील गेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा, और हमें ये एक और रिलेशन मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सब एक ही रिलेशन, रीअरेंज करके उन्हें इस तरह से अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, सॉरी 1 प्लस इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा।
1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल्स 1। ठीक है चारों वो एक ही बात, बस अलग अलग तरह से हम लिख रहे हैं, अलग अलग तरह से हम उन्हें बता रहे हैं। ठीक है, और लो अगर हमें बस ये याद है और ये डेफिनेशन याद है तो एनी टाइम बहुत जल्दी से हम कोई सा भी रिलेशन डिराइव करके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस हम यहां पर बता रहे हैं अल्फा और बीटा का, कब होता है, क्यों होता है, तो उसको हम आगे समझेंगे जरूर, बट यहां पर हम उस चीज को नोट कर ले। हम बोल रहे हैं अल्फा इज सिग्निफिकेंट इन इन कॉमन बेस मोड, अल्फा इज सिग्निफिकेंट इन कॉमन बेस मोड। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम चाहे तो यहां पर शॉर्ट में डायग्राम बनाकर उसे समझ सकते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, ऑल दो इस केस को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम कॉमन एमिटर के लिए जो थ्योरी डेवलप करेंगे उसके बेसिस पर इसे एनालाइज जरूर किया जा सकता है, बट वी विल नॉट स्टडी दिस इन डिटेल, हम इस मोड को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की ले हम सपोज इस तरह से हमने कनेक्शंस किए थे, कॉमन बेस मोड के लिए नेगेटिव टू एन पॉजिटिव टू एन। ठीक है, दिस इज द एमिटर बैटरी, दिस इज द कलेक्टर बैटरी। ठीक है, तो यहां पर हम करंट्स की अगर अब डायरेक्शन देखें वापस से, तो हमने क्या कहा था, यहां पर भी अभी भी जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है, जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो है वो अभी भी वैसा ही रहेगा, करंट्स की डायरेक्शन वैसी ही रहेंगी। द डिफरेंस विल बी नाउ द बेस इज कॉमन, देयरफॉर इस बैटरी से एमिटर करंट कंट्रोल हो रहा होगा, इस बैटरी से कलेक्टर करंट कंट्रोल हो रहा होगा। एमिटर करंट यहां से इस तरह से बाहर आएगा, कुछ पार्ट उसका बेस करंट में चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट उसका कलेक्टर करंट बन जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे एक तरह से द एमिटर करंट विल कंट्रोल द कलेक्टर करंट, या हम चाहे तो उल्टा भी बोल सकते हैं द कलेक्टर करंट विल कंट्रोल द एमिटर करंट, बट उन दोनों में कोई खास डिफरेंस ही नहीं है, उन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। द कलेक्टर करंट इज फाउंड टू बी 95-99% ऑफ एमिटर करंट। So, in the common base mode, in common base mode, we say that emitter current controls collector current.
इन कॉमन बेस मोड एमिटर करंट कंट्रोल्स कलेक्टर करंट. बीटा फैक्टर हम बोल रहे हैं, बीटा इज सिग्निफिकेंट इन कॉमन एमिटर मोड. बीटा का सिग्निफिकेंस होता है कॉमन एमिटर मोड में बिकॉज बेस करंट कंट्रोल्स कलेक्टर करंट. बेस करंट कंट्रोल्स कलेक्टर करंट. ठीक है. Due to this, phenomena, transistor is mainly used as an amplifier. इन सीई मोड. ठीक है, इसी चीज को अब हम डिटेल में देखेंगे, इसी का हम पूरा सर्किट देखेंगे, इसका इससे रिलेटेड कैलकुलेशन अब हम देखेंगे. हाउ इज ट्रांजिस्टर यूज एज एन एम्पलीफायर एंड व्हाई इट इज यूज इन सीई मोड, उसे सीई मोड में कॉमन एमिटर मोड में ही क्यों यूज किया जाता है. ठीक है. और हाँ, इनफैक्ट हमने एक पॉइंट और मिस कर दिया है यहां पर, एक छोटी सी बात और जो हम बता सकते हैं. हम यहां पर इन टर्मिनल्स के नेमिंग को भी अब समझ सकते हैं, जो नाम इन्हें दिए गए वो ऐसे क्यों दिए गए हैं. वी आर सेइंग दैट द एमिटर करंट कम्स आउट ऑफ द एमिटर, मतलब एक तरह से ये वाला टर्मिनल जो है ये करंट को एमिट करता है. ये वाला जो टर्मिनल है ये करंट को कलेक्ट करता है. ठीक है, दिस टर्मिनल कलेक्ट्स द करंट. और इन तीनों के बीच में एक तीसरा टर्मिनल है, बेस है, जो एक तरह से बस सपोर्ट वहां पर करता है इस पूरे वर्किंग को. ठीक है, इस पूरे ट्रांजिस्टर के वर्किंग को वहां पर वो सपोर्ट करता है, उसे वहां बेस टर्मिनल बोल देते हैं. ठीक है, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही मेनली यूज किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की यूज की जाती है, की जाती है, और उसी पर ये टर्मिनल्स के नाम दिए गए हैं. ठीक है, उन्हीं उसी की वर्किंग पर ये टर्मिनल्स के नाम दिए गए हैं. एमिटर से करंट बाहर आता है, वो करंट को एमिट करता है एक तरह से. कलेक्टर जो है वो सारे करंट को कलेक्ट करता है. ठीक है, सो दिस हाउ ट्रांजिस्टर वर्क. हमने यहां पर अब एक तरह से ट्रांजिस्टर की वर्किंग को पूरी तरह से बता दिया है, समझ लिया है. अब हम ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन देखना चाहते हैं. ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह का एक पूरा बात फॉलो कर रहे हैं जैसा हमने डायोड में किया था. हमने पहले पीएन जंक्शन की डिजाइनिंग देखी, पीएन जंक्शन डिजाइन कैसे किया जाता है. फिर हमने देखा उसको डायोड की तरह यूज किया जाता है, जब उसको हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वो डायोड बन जाता है, डायोड किस तरह से वर्क करता है फिर हमने वो देखा. फिर हमने डायोड के एप्लीकेशन देखे थे. सिमिलरली यहां पर अब हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग को यहां पर अब हमने
पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अब हम इस वर्किंग की वजह से उसके क्या यूजेस किए जा सकते हैं, उसको कहां कहां पर अप्लाई किया जा सकता है वो देखेंगे, ठीक है। और उसमें हम जो से मेजर एप्लीकेशन बता रहे हैं ट्रांजिस्टर का, वो यही है, यही है जो हमें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, समझना होता है। द यूज ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ये हमें डिटेल में अब समझना है।